स्कूटी देखो, अंकल बैठे हुए हैं दो, और एक अंकल ने पीछे टेबल लगाया हुआ और एक अंकल ने पीछे अपने टेडी बियर बांधा हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह सुबह हम एक और काम करने जा रहे हैं। अगली सुबह हो चुकी है और लाइसेंस अपना मेरा नहीं दीपिका का एक्सपायर हो रहा था, तो हम वहीं DMV जो है ड्राइविंग मोटर व्हीकल का इनका ऑफिस है वहाँ पे जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट से ही लेते हैं। और क्योंकि कोविड के कारण पहले तो वॉक इन होता था, अब अपॉइंटमेंट लेके ही आपको जाना पड़ता है। और अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके लाइसेंस वगैरह रिन्यू कराएंगे। और चलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं ऑफिस। अगर अंदर हम बैठे हुए अगर ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा तो मैं दिखा दूंगा अंदर से भी। वैसे तो अंदर ऑफिसर वगैरह होते हैं, इधर उधर हुआ ऑफिसर तो मैं अंदर से दिखा दूंगा, नहीं तो फिर बाहर से ही आप लोगों को दिखा देते हैं। और अभी सुबह सुबह हम ये काम करने जा रहे हैं और चलिए चलते हैं। देख सकते हो ये सारा UPS का हब है, तो कितने सारे UPS के ट्रक खड़े हैं जो अभी मेल लेके डिलीवर करने जा रहे हैं। बट आप UPS के पीछे देखो, ये ट्रक निकल रहा है, UPS के पीछे देखो पूरा इतना बड़ा प्लेन खड़ा है जो कि मेल प्लेन है, और जो हमारी चिट्ठियां पैकेजेस वगैरह लेके आता है इंटरनेशनली वो आया हुआ है। और ये यहाँ पे इनका रनवे है साइड पे, तो यहीं पे उतार देते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर करते हैं कि ये जो UPS FedEx के अपने होते हैं, इन्होंने अपने रनवे बनाए होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये खड़ा प्लेन पीछे, और इसमें सारी मेल वगैरह आती है। ओके गाइस, तो ये है DMV का ऑफिस और वहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एग्जिट है। बहुत सारे लोग आए होते हैं, इवन दो अपॉइंटमेंट से ही जाना पड़ता है, बट बहुत सारे लोग आए होते हैं फिर भी अंदर। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। तो काम अपना हो गया, टाइम बहुत ही ज़्यादा लग गया, 1.5 घंटा लग गया अंदर, रश भी बहुत पड़ गया था, बट काम हो गया। अब लाइसेंस 1 हफ्ते में आएगा, साथ के साथ नहीं देते तो टेम्परेरी पेज दे देते हैं, बट लाइसेंस जो ओरिजिनल होगा वो मेल में आता है 1 हफ्ते में। अंदर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका क्योंकि एक तो लोग बहुत थे और अंदर अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी और आपने वो देख ही ली होगी। तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। ये बैठी है गैलरी और अभी हमने इसको वाफल डाला था, तो फटाफट पेड़ से नीचे उतर आई और अभी बेंच के ऊपर बैठ के दोनों हाथों से वाफल खा रही है। मैंने कहा देखो कितना बढ़िया लग रहा है, नज़ारे नज़ारे दे रही है, वाफल खा रही है, चॉकलेट चिप वाला वाफल खा रही है। और इट्स सो क्यूट, लाइक दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। बेस्ट फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड हमारे यहाँ पे बहुत रहते हैं, कभी बनी आ जाता है और कभी ये गैलरी आ जाता है। I never seen इतनी बड़ी गैलरी इन इंडिया, लाइक दिस इज ह्यूज, बड़ी है ये। यही पेड़ पे रहती है अपने। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी एंड स्वागत है वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पीछे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सिया राम। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आज वीकेंड है और अभी हम घूमने निकले हैं। घूमने कहाँ जा रहे हैं? डाउनटाउन। डाउनटाउन से होते हुए हम निकलेंगे स्टार पे, तो हम आज स्टार घूमने जा रहे हैं। यहाँ का रौनक की एक क्या बोलोगे आप, रौनक की क्या खासियत ही बोल दो एक तरह की स्पेशलिटी है, हाँ लैंडमार्क में एक तरह का आ जाता है, वो स्टार बोलते हैं यहाँ पे, तो उसको रौनक स्टार भी बोलते हैं। तो हमारे घर से अबाउट 30-40 मिनट्स की ड्राइव है, तो हम डाउनटाउन से होते हुए वहाँ पे स्टार पे जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैंने अपनी व्लॉग में पहले शेयर नहीं किया, आज मौसम भी अच्छा, थोड़ी बारिश हो गई तो मौसम ठीक हो गया, बट बारिश हुई था, बारिश हुई है, मम्मी पीछे से अपनी कमेंट्री करती रहती है, बट मम्मी के कहने पे एक्चुअली हम निकले, क्योंकि पता है आप लोगों को मम्मी वीकेंड पे घर पे बैठना पसंद नहीं करती, तो जब भी हम कहीं पे जाना हो तो मम्मी ने पहले, मम्मी के माइंड में होता कि हमने यहाँ घूमने जाना, फिर मम्मी बता देती है, फिर हम चले जाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं स्टार पे और आप लोग भी हम सारे साथ चलिए, और
है, चलते हैं रौनक स्टार पे। टाइम जैसे कि मम्मी बोल ही रही है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, बट काम करते करते कुछ पता ही नहीं चलता और ऐसे बैठे रहते हैं क्योंकि धूप भी इतनी होती है, दोपहर का टाइम निकलने का मजा नहीं आता। और कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, अभी जा तो रहे हैं। वैसे उस स्टार को देखने का मजा रात को ही आता है और क्योंकि लाइटें लूटें सारी जली होती है, लाइटें लूटी सारी जली होती है, इसलिए रात को देखने का मजा आता है। और मम्मी मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही, पीछे अपनी कमेंट्री चल रही है, बट चलो गाइस आप लोगों को लेके चलते हैं। स्कूटी देखो, अंकल बैठे हुए हैं दो और एक अंकल ने पीछे टेबल लगाया हुआ और एक अंकल ने पीछे अपने टेडी बियर बांधा हुआ है ताकि उसको अकेला ना महसूस हो, इसलिए उसने पीछे टेडी बियर बांध लिया और पिछले वाले अंकल ने पूरा टेबल लगा के रखा हुआ। बढ़िया चीज है ये, इनके लिए लाइसेंस नहीं आपको चाहिए होता। राइट में ये है चर्च, ये बहुत पुराना चर्च है, मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, बट ये डाउनटाउन का सबसे पुराना चर्च है यहाँ का। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में वो ऊपर कॉर्नर पे वो रहा ऊपर स्टार, तो वहाँ पे हमने जाना है। आपको पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट हमने वहाँ पे जाना है, वो ऊपर सामने वो है रौनक का स्टार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे घर भी हैं लोगों के, तो ये पहले थोड़ा पूरा रेजिडेंशियल एरिया सा आता है और फिर ऊपर जाके सड़क गोल मोल सी होनी शुरू हो जाती है जैसे आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो, बट पहले यहाँ से रेजिडेंशियल है, लोगों के यहाँ पे पूरे पूरे घर है, लोग यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो पूरा जंगल की तरह शुरू हो जाता है। अब हमारी 20 मिनट की ड्राइव ऐसे ही है और हमने ऐसे ही घूमते 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 ऊपर तक जाना है, तो बढ़िया है, अच्छा लगता है, फन होता है, पूरा जंगल में से निकल के जा रहे हो आप। ऊपर चढ़ जाएंगे अपने स्टार की तरफ, यहाँ पर साइकिल खड़े किए हुए इन्होंने, यहाँ पे रुक के फोटो वोटो भी खिंचवा सकते हो साइकिलों के साथ, बढ़िया चीज है। और यहाँ से शुरू हो जाता है स्टार का रास्ता। हमें फाइनली पार्किंग मिल गई, 10 मिनट हमें वेट करनी पड़ी क्योंकि रश बहुत ही है, जैसे कि आप देख सकते हो सारी जगह वो लोग भी पार्किंग ढूंढ रहे थे बट उनको पार्किंग नहीं मिली, वो भी चले गए, बट रश पूरा है। और आगे जाके हम दिखाते हैं, बट ये जीप देखो कितनी बढ़िया लग रही है, लंदी की हुई है, छत छत उतार के डोर डोर सब कुछ उतारे हुए हैं, बढ़िया लग रही है मुझे तो, टायर टूर बढ़िया डाले हुए हैं और अपनी खड़ी है यहाँ पे। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। और देखो पूरी रश लगा हुआ है गाड़ियों के लिए, पार्किंग के लिए। सामने देख सकते हो कितना रश है, बट नज़ारे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। और आगे चलते हैं, अगर हमें आगे जाने का मौका मिला तो, एक उधर से भी है पोर्च और इधर भी है, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना बढ़िया, आगे से भी दिखाते हैं आपको। ओके, तो थोड़ा प्लान में चेंज आ गया, हम पहले इधर की साइड होके आएंगे, इधर भी एक डेक है और वहाँ पर हम जाएंगे, फिर बाद में इधर आएंगे क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया। आज वीकेंड है, मौसम भी अच्छा है, इसलिए सारे लोग आ गए हैं, बट अभी हम इधर की तरफ जा रहे हैं पहले।
चलते चलते थक गया क्योंकि ये भी बहुत लंबा ट्रेल सा ही है, और अभी नीचे जाना तो ठीक है, ऊपर जब आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा थक जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए चलता सब कुछ और आगे चल के आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए, नज़ारे तो बड़े दिखने, नज़ारे नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, ज़िंदगी में नज़ारे ही नज़ारे होने चाहिए। और सनसेट भी होने वाला है, धुंधला धुंधला बहुत लग रहा है, धुंधला था ना नीचे, लगता है क्लाउड के नीचे आए हुए हैं। मम्मी पीछे कमेंट्री चलती रहती है मम्मी की। Thank you.